तो हेलो गाइस, अब हम हैं माउंट आबू। अब हम जा रहे हैं गुरु शिखर। तो अभी ये हम आधे ही रास्ते पे हैं, फिर हम गुरु शिखर के बाद जाएंगे एडवेंचर पार्क। और हमने नक्की झील भी देखी है। इसको नक्की झील इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये देवताओं ने नाखूनों से खोद के ये बनाई है। तो देखते हैं हम गुरु शिखर में। मासूम सा है मंजर, खूबसूरत भी बड़ा है, जिसने भी देखा इसको कुछ कह न पाया। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ वो घूमने भी आ सकते हैं। और ये माउंट आबू में है, गाड़ी में आए हैं या बस में भी आ सकते हैं। आप बस नजारे देखिए, खिड़की न बंद होती दरवाजे भी खुले हैं। छूट न जाए नजारा, मन को लुभा रहा है, मन को लुभा रहा है। दिनकर की लुक का छिपी मीठी हवा का बहना है दृश्य बड़ा अनोखा, हृदय को भा रहा है। मौसम शरद का है चारों तरफ है रोना, कुदरत की भेंट पाकर मन फूला जा रहा है। इन लम्हों को कैद कर लो, खुशियों की भर लो झोली। हृदय से हम भी खुलकर हर पल को लिख रहे हैं। दीपक की लौ के जैसे हंसती हुई है संध्या। पहुंचकर अस्क हम भी हंसना सीख रहे हैं। जीवन का जो सबसे प्यारा और अनोखा काल, उस बचपन को फिर से जी लूं बनकर नन्हा बाल। दुनियादारी के झंझट से रहते को सो दूर, खेलों के संसार में अपने बस रहते मगरूर। अपनी वो छोटी सी दुनिया कितनी थी खुशहाल,
अपनी वो छोटी सी दुनिया थी कितनी खुशहाल, उस बचपन को फिर से जी लूं मत करना था बाल। अपनी बात मनवाने को वो बात बात पर रोना, माँ के आंचल में छिपकर मीठे सपनों में खोना। धूप छांव सर्दी गर्मी का नहीं होता था ख्याल, उस बचपन को फिर से जी लूं बनकर नन्ना बाल। निश्चल हृदय कपटों छल से होते थे अनजान, निश्चल हृदय कपटों छल से होते थे अनजान। नहीं किसी अपमान का भय था, नहीं चाहा सम्मान। छोटा सा वो हृदय भी कितना होता था विशाल, उस बचपन को फिर से जी लूं बनकर नन्हा बाल, बनकर नन्हा बाल। आज गया मैं माउंट आबू गुरु शिखर के बाजार में, आज गया मैं माउंट आबू गुरु शिखर के बाजार में। बैठे जैसे सारे खिलौने मेरे इंतजार में। कहते नहीं लेना कोई खिलौना, मम्मा पापा कहते नहीं लेना कोई खिलौना। इसी बात पर दोस्तों आ गया मुझे तो रोना। डर से चले नहीं चलना एक बार तो होगा ही, गिरने के डर से चले नहीं चलना एक बार तो होगा ही। एक बार गिरे समय सो बार, गिरना एक बार तो होगा ही। चलो आगे बढ़कर आसान मार्ग ही मिल जाए,
निकल चलो आगे बढ़कर, आसान मार्ग ही मिल जाए, घर पा न सको रास्ता खुद ही कोई मार्ग दर्शक। तो अब हमें माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर, गुरु शिखर है माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर है माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ जाके तो पूरी दुनिया लगती कितनी छोटी।